व्हाट इज दिस चिराई। या तो मम्मी इतना अच्छा शंख बजाती है ना, या तो शंख का प्रॉब्लम है। शंख मैं सोच रही थी लेके जाऊंगी ससुराल, अब तो कैंसल है। चलो सेकंड ट्राई। बेटर मम्मा है ना। चलो शंख अप्रूव। बट हमारे घर वाला शंख बहुत अच्छा है। पहले मैं और मॉम दिखा मामा। ये देखो हम लोग सेम कलर का नेल पेंट लगाए हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू क्लब। क्लब पता है ना, हार्ट अटैक मत हो जाना, इट्स ओके। ये बेसिकली मॉम डॉटर डेट है। मैं और मॉम जा रहे हैं, पहले डिनर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे रॉक्सी। यहाँ पे रॉक्सी में आज होता है लेडीज नाइट आउट एंड दैट्स व्हाई आई एम लाइक टेलिंग यू गाइस माय मॉम इज माय बेस्ट फ्रेंड ओनली। तो आज हम दोनों ढेर सारा पार्टीज करेंगे। हम लोग जो आज पहनेंगे वो भी ब्लू है, मैं यहाँ पे ब्लू जूता भी लाई हूँ। तो हम लोग बेसिकली आज ट्विनिंग करने वाले हैं, द मैचिंग कलर का ड्रेस मॉम पहनेगी और ये मैं पहनूंगी। दोनों से एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा सा अलग अलग मटेरियल है। ये देखो इयर रिंग ही सेम है। तो लास्ट ब्लॉग नहीं देखे हो शॉपिंग ब्लॉग्स तो देखो, और अभी हम लोग होंगे रेडी। बहुत दिन बाद मैं मॉम को सजा रही हूँ, एकदम मस्त सा मेकअप कर रही हूँ, एकदम लाइट ज्यादा वो। मैं यहाँ मम्मी को कर रही हूँ मेकअप और मम्मी ने फाउंडेशन लाना भूल गई थी, तो मैं अपने वाला फाउंडेशन में कौन सा वाला फाउंडेशन में थोड़ा सा यू नो करेक्टर वगैरह डाल के इसको कर लिया हूँ। तो आई थिंक ये बैठ जाएगा थोड़ा बहुत, ये अभी सफ़ेद है, वो थोड़ी देर बाद जब पाउडर गिरेगा ना तो ये हो जाएगा। बचपन में मॉम मेरे को सजाती थी, अभी जाके मैं मॉम को सजाती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है सोच के। मॉम को मैंने कर दिया है रेडी, देखो कितनी सुंदर दिख रही है सजने के बाद। मम्मा सच्ची एवर द बेस्ट पार्ट इज दिस। मॉम तो पहनने के लिए मना कर रही थी, बट सी दिस इज लुकिंग सो क्यूट। मॉम के बाद मैं रेडी होगी जल्दी जल्दी, और मैं ट्रस्ट भी मैं एग्जैक्ट सेम मेकअप की हूँ, हम लोग दिखने में भी सेम ही लग रहे थे। और पीछे ये सेम कलर का वो, तो हम लोगों ने सेम ड्रेस पहना एंड उसके बाद हम लोग इयर रिंग चूज किया। पहले सोच रहे थे कौन सा पहने, हम लोग बहुत सारा इयर रिंग आए थे, पहले सोच रहे कि थोड़ा सा जंग ज्वेलरी पहने, बट वो उतना खास नहीं लग रहा था, तो बाद में हम लोग एडी का ही नॉर्मल ज्वेलरी पहने एंड यहाँ पे हम लोग रेडी। ये जूता है और गाइज रेड टॉवल लुक, कमेंट में बताओ कौन ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऑब्वियसली मॉम, पता तो है मेरे को। तो देख लिए हम लोग कितना अच्छा ट्रेनिंग किए हैं और हम लोग एकदम ऐसा लग रहा है ड्रेस कोड वाले पार्टी में। तो आई एम तो वेरी हैप्पी, बहुत दिनों बाद मैं और मॉम जा रहे हैं और वो भी इतना सिमिलर। तो लेट्स गो, अभी बस कैब बुक करेंगे और निकलेंगे। लिटरली भूत ने पकड़ा है हमें, मेरा एंड्रॉयड वाला फोन जस्ट कहीं नहीं मिल रहा है घर में। कैब हो चुका है बुक, हम हो चुके हैं रेडी, मेरा फोन भी हो गया है, मेरा फोन मिल गया है, जो कि मम्मी पूरा नया कपड़ा जो सब लिया था ना उसमें गलती से डाल दिया था। अंदर आ रहा है लेकिन हमारा ऑर्नामेंट्स एकदम चिक 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 कलर। गर्मी है भाई, बाहर कुछ गर्मी है, ले हमें क्या हुआ ना, हमें चल के आना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि घर के सामने जो बड़ा वाला रास्ता है वो थोड़ा सा काम चल रहा है करके, हमें थोड़ा सा चल के आना पड़ा कैब के लिए, और भी ऐसे सज धज के, तो इट वॉज एम्बेरसिंग, बट कुछ नहीं कर सकते, कैब पकड़ना है तो आना पड़ा। रीच लेकिन काफी टाइम लगा, बोलो मामा। बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, मैं तो अपना फोन में काम भी कर लिया थोड़ा बहुत, वीडियो पोस्ट। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट, मैं इसके पहले भी बहुत बार आई थिंक ब्लॉग में दिखाई हूँ मैं। अगर कोलकाता में सिजलर खाना है ना तो यहाँ का सिजलर बहुत ज्यादा अच्छा है। मेनू हम लोगों ने ऑर्डर दिया है प्रॉन लाजाइन, लेकिन ये छोटा वाला नहीं है तो बिग प्रॉन का है, एंड आवर फेवरेट चिकन स्टेक सिजलर। ये रेस्टोरेंट ना लंदन में भी है, उसी का ये रेप्लिका है, कॉपी किया है। और मेन बात है यहाँ पे जितने सारे वेटर या तो वर्किंग है ना, सब कोई रिटायरमेंट के बाद वाले एज ग्रुप का है ज़्यादातर। तो हम लोग यहाँ पे बैठे एंड वेट किए, थोड़ी देर बाद ही हमें आ गया हमारा खाना। ये है चिकन सिजलर एंड दिस इज प्रॉन लाजान,
मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिश यहाँ का, मेरे को बहुत पसंद है। हम लोग स्पेशली यही खाने आते हैं, लेकिन दो डिश एक ही जैसा आप मंगवाएंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिश ऑर्डर करते हैं। फिर हमने खुद सर्व कर लिया क्योंकि हम दोनों अपना अपना पोर्शन थोड़ा बहुत हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके खाएंगे दोनों चीज़। খুবই গরম, প্রনের সাইজ বিশাল গরম। খুবই সুন্দর চিজ। यहाँ का फूड कितना लजीज है वो हम लोगों के खाने के स्पीड से तुम लोगों को पता लगेगा। तो खाना खत्म, पैसा हजम। खाना वाना ठीक है पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड नाइट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम लोग जाएंगे द पार्क, द मेन थिंग, द बेस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। वहाँ से निकल के थोड़ा सा ही चल के रास्ता और हम लोग द पार्क आ गए हैं। तो मेरे को तो ऐसे कैसे हो रहा था, मेरे को बहुत मज़ा आता है यहाँ आने में, मैं बहुत बार आई हूँ लाइफ में। तो हम लोग एंट्री किए और यहाँ पे ऑलरेडी डीजे स्टार्ट हो गया था, बट ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्राउड बढ़ता गया। जैसे 10 बजाना उसके बाद से एक्चुअल क्राउड देखने को मिला। फिर यहाँ पे और भी मॉम वाले एज ग्रुप के लोग आए थे, मॉम देख के तो पूरा खुश हो गया। पार्टी इज़ ओवर। यहाँ पे मम्मी देखो खड़ी है, हम लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींचे और अभी कैब भी बुक कर लिए हैं। लेट्स गो। बहुत मिनट भाई, इतना महंगे हमारे इतने महंगे कैब से अभी बहुत कम दिखा रहे हैं, यू नो व्हाई। एंजॉय इट, कूल इट। हाँ ना, मम्मी तो बैठे बैठे डांस कर रही थी, बैठे बैठे डांस। मॉम आज बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मॉम की पो, मम्मी तो पहनना ही नहीं चाह रही थी, बट आई डोंट नो कौन सा वाला है। तो फाइनली पहुंच गए हमारे घर के रास्ते पे, एंड वही सेम रीज़न के कैब नहीं जाएगा क्योंकि रास्ते का काम हो रही है, तो हम लोगों को गली गली से थोड़ा सा चलना पड़ रहा है। कितना भी मेकअप करो, उठाने में जो मजा है वो कोई भी चीज में नहीं है। मेकअप वेकअप का पता नहीं, पर आई लुक लाइक, आई लुक मोर ब्यूटिफुल लाइक दिस ओनली विदाउट एनी थिंग लाइक क्लियर फेस। बट जो तुम्हारा रियल नेचर नेचुरल ब्यूटी है ना, दैट्स एवरी थिंग। क्लब में ना एक लड़की से हम लोग मिले, तो वो लड़की बात कर रही थी कि उसका मॉम का भी कैंसर में डेथ हो चुका है, एंड पापा का भी कुछ सालों बाद ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो वो क्लब में अकेले ही आई थी, एंड वो अपने में धुन थी, तो हम लोग बात किए थोड़ा सा। तो वो मेरे को और मॉम को देख के बोली, मैं खुद अपने मॉम को मिस कर रही थी एंड ऑल। तो अच्छा लगा। और मम्मी एक्चुअली लाइक बहुत ज़्यादा टायर्ड थे शॉपिंग करके, फिर बाद में हम लोग सोचे यार चलो चले ही जाते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग और एक बार आने वाले हैं कोलकाता फॉर द लास्ट वेडिंग शॉपिंग। लेकिन उसके बाद पता नहीं, हम लोग सोच रहे हैं ये फ्लैट को हम लोग थोड़ा बहुत रेंट दे देंगे, क्योंकि 3 सालों से ये फ्लैट पूरा बंद रह रहा है। पहले तो मैं रहती थी तो यूज़ होता था, एंड उसके बाद अभी मेरी शादी हो जा रही है, एंड तो कोई काम का रहेगा नहीं मैं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि रेंट दे देंगे फ्लैट को। तो इसीलिए ये आई थिंक
पता नहीं इसके बाद कब मैं और मॉम जा पाएंगे और मजे कर पाएंगे। भाई गर्ल्स गो एंजॉय विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड स्पेशली मॉम लोगों को लेके जाओ, आजकल के जमाने दिखाओ यार। मतलब ये सब टैबू है कि हम मॉम नहीं जा सकती, या हम लोग लड़कियां भी जाना चाहे तो मॉम को नहीं ले जा सकते। और तुम लोग जो सब मॉम लोग भी देख रहे हो, अपने लड़कियों के साथ अपने बच्चों के साथ चिल रहो, लाइफ इज ब्यूटीफुल। आज के व्लॉग इतना ही, क्या ज्ञान मिला क्या हुआ, हैव फन, बाय बाय।